चमगादड़ की भेंट लेने इन पहाड़ों में आता है और इस गुफा में जाना बताया है। चप्पल यहाँ खुली हुई थी, तो कल दिन से SDRF की टीम और थाना। शीशा खान की गुफा में चमगादड़ की भेंट लेने गया व्यक्ति लापता हो गया, जिसे ढूंढने के लिए SDRF की टीम ने भारी मशक्कत की। कल देर रात SDRF की टीम द्वारा 50 वर्षीय शंकर नाहर की तलाश शीशा खान की गुफा में की गई, लेकिन वहां शंकर नाहर नहीं मिला। मौके पर SDRF की टीम को शंकर नाहर के कपड़े, टिफिन, चप्पल और अन्य सामान मिले। इस समय उपस्थित लापता व्यक्ति के परिजनों ने कपड़ों को देखकर सहमति जताई। इस संबंध में पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरे के माध्यम से लापता व्यक्ति को ढूंढने की कवायद शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शंकर नाहर शीशा खान की गुफाओं से चमगादड़ की भेंट इकट्ठी करने का कार्य करता था, जो कि लंबे समय से कर रहा था, लेकिन देर से घर पर नहीं लौटने के कारण परिजनों ने SDRF की टीम की सहायता ली। SDRF की टीम ने भारी मशक्कत की, उसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। आज सुबह SDRF की टीम ने फिर से लापता व्यक्ति को ढूंढने की कवायद शुरू की और टीम वापस खाली हाथ लौट गई। ये शंकर कहार नाम का व्यक्ति है, जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष है। वो 31 तारीख को मांगलेवास इलाके से अपने घर से चला था। सूचना और इन्फॉर्मेशन ये थी कि वो चमगादड़ की भेंट लेने इन पहाड़ों में आता है और इस गुफा में जाना बताया है। चप्पल यहाँ खुली हुई थी, तो कल दिन से SDRF की टीम और थाना दरगाह का जाब्ता वगैरह पूरा यहाँ सर्च कर रहा है। आसपास गुफा में भी SDRF की टीम ने करीब 150 फीट गहरी ये जो गुफा है, इसमें पूरे में सर्च किया है, तो इसमें शंकर का होना नहीं पाया गया। किसी व्यक्ति के उसके अलामत नहीं पाए गए किसी तरह की। एक बोरी में चमगादड़ की भेंट मिली है, जिसको बाहर निकाला है और उसके परिजनों को भी साथ में दिखा के पूरा तसल्ली कराया है कि इस गुफा में वर्तमान में कोई आदमी नहीं है, न ही किसी तरह की कोई अलामत मिली है। मांगलियावास बात की है, अभी वो जो भी कार्रवाई होगी इसके संबंध में वो की जाएगी संबंधित थाने में। बिल्कुल पूरा सर्च किया जाएगा। अगर यहाँ तसल्ली की है या नहीं है तो फिर कहाँ गायब है, सारा CCTV और जो भी संसाधन है उनके माध्यम से उसकी तलाश की जाएगी। कल हमें सूचना मिली काड़ोता मुख्यालय SDRF पर ए और एच कंपनी टीम, एक हेड कॉन्स्टेबल, 10 कॉन्स्टेबल, एक ड्राइवर मिनी बस लेकर के हमें सूचना मिली कि कोई आदमी दरगाह क्षेत्र में जो शीशे वाली जो खान है उसके अंदर कोई चमगादड़ की भेंट लेने के लिए जाता था। वो आदमी 31 तारीख से उसमें घुसा हुआ था, तो वो उसको सर्च करने के लिए कल हम रात को यहाँ से 9 बजे जब पहुँच करके जब हमने रेस्क्यू कार्य शुरू किया तो उसकी सर्चिंग की इलाके की। उस सर्चिंग के दौरान हमने ये सोचा कि भाई सुबह जो और गहराई से गहनता से इसकी जांच होगी, तो हमने 2 बार इसमें गहराई में जाकर के करीब 150 फीट के करीब गहराई में जाकर के हमें एक बोरा मिला जिसके अंदर चमगादड़ की भेंट थी और एक छोटा टूटा हुआ टिफिन था जिसको वो इससे इकट्ठा करके कट्टे में डालने का काम करता था। और उसमें हमने अपने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को बड़े ही इम्तिहान से हमने इसको सर्च किया, उनके परिजनों को लेके गए साथ में, ऐसा हमें कोई चीज़ नहीं मिली जिससे कि उससे पता लग सके कि वो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो उसका कोई दम उम घटा हो या अंदर उसने घुटन महसूस की हो, तो हो सकता है वो अपने जल्दबाजी में सामान को छोड़ गया हो और इधर उधर कहीं निकल गया हो। हम सुबह 9 बजे से लगे हुए हैं और कल रात से ही लगे हुए हैं, तो करीब 5-6 घंटे की मकसद से हम कड़ी मेहनत से लगातार लगे हुए हैं, जिससे हमें जो सफलता मिली उसमें एक बोरा मिला है और ऐसा कोई हमें व्यक्ति नहीं मिला जिसके हमें अंदेशा हो। परिजनों को सूचना दे दी, परिजनों को टीम के साथ ले जा करके उस जगह पर आइडेंटिफाई करवा दिया, सर्च करवा दिया। वो आदमी सहमत है, जिसमें उनका एक लड़का है और एक भाई है उनका। डॉक्टर शालिनी मल्टी केयर आयुर्वेद क्लिनिक, पंचकर्म, वित्त कर्म, अग्निकर्म और मर्म चिकित्सा से पुराने दर्द और रोगों का जड़ से इलाज। हमारे यहाँ पंचकर्म पद्धति, वमन विरेचन, नस्यवस्ति, रक्त मोक्षण और शिरोधारा से रोगों का जड़ से इलाज किया जाता है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, शरीर से विषाक्त तत्वों को निकालना, अतिरिक्त चर्बी कम करना, वाहिका तंत्र व मनोवैज्ञानिक प्रणाली में संतुलन करना आदि अनेक इलाज किए जाते हैं। तो चले आइए डॉक्टर शालिनी मल्टीकेयर आयुर्वेद क्लिनिक, महाबोधि स्कूल के पास, गौतम नगर, अजमेर। फोन नंबर है 8290277788। थेरेपीज द्वारा शरीर की शुद्धि करते हैं, जैसे कि वमन विरेचन, रक्त मोक्षण, नस्य वगैरह, शिरोधरा,
जो लंबे समय से जो हमारे शरीर के अंदर जमा जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो बाहर निकाले जाएंगे और जो हमारा शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा, तो डिजीज़ अपने आप जड़ से क्योर हो जाएगी। राजस्थान का एकमात्र ऐसा मार्ट जो लाइफ कंसल्ट लेकर आया है आपके लिए नंबर वन चक्की से पिसे शुद्ध मसाले और सभी तरह के अनाज अपनी आंखों के सामने पिसवाएं। रसोई से संबंधित कोई भी मसाला या अनाज 100% शुद्ध कच्ची घानी तेल, रसोई से जुड़ा हर तरह का सामान उपलब्ध, साथ ही 2000 रुपए की खरीदारी पर फ्री होम डिलीवरी। तो चले आइए नेहा फ्रेश मार्ट, मोती विहार कॉलोनी, महादेव मार्बल के पीछे, बांडी नदी पुलिया, रामनगर पुष्कर रोड, अजमेर, 9929091952।